हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल सोनाली। आज मैं आपके साथ कुछ सिंपल टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे अपने लाइफ में यूज करके अप्लाई करके आप डिफरेंट लग सकते हैं, अट्रैक्टिव लग सकते हैं। तो आप जहाँ कहीं जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कोई कैजुअल मीटिंग में जा रहे हो, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप में कितना कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हमें कॉन्फिडेंट कब आता है? जब हमें यकीन होता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ। तो बहुत अच्छे से तैयार होना मतलब क्या? बहुत सारा मेकअप लगाने को बहुत अच्छे से तैयार होना नहीं कह सकते, या बहुत सारी ज्वेलरी पहन लेने को भी बहुत अच्छे से तैयार होना नहीं कह सकते। चलो मैरिज की बात तो समझ सकते हैं, मैरिज में आप पहन सकते हो बहुत सारी ज्वेलरी, बट अदरवाइज अगर कहीं आप जाते हो तो बहुत सारी ज्वेलरी मत पहनिए, लिमिटेड ज्वेलरी अच्छी लगती है। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपका कॉन्फिडेंट। आप कहीं भी जाते हो और किसी से भी अगर मिलते हो तो सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है, वो है आई कॉन्टैक्ट। आप जिस किसी से मिल रहे हो, आपको आई कॉन्टैक्ट उनकी आंखों में देखना है। आंखों में देखना है मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसे ऐसे देखते रहो, वो भी बहुत अजीब लगेगा। लेकिन हाँ, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका उनके साथ आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक जगह पर ही आपको नजर टिका के रखनी है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप बीच में इधर उधर देख सकते हो, बात करते हुए ऐसे इधर उधर देख सकते हो, लेकिन हाँ आपको नीचे नहीं देखना है, वो बहुत अजीब लगता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप नीचे देख रहे हो तो वो बहुत अजीब लगेगा, तो आपको नीचे नहीं देखना है। जब आप कहीं भी जाते हो तो आपके फेस पे एक स्माइल जरूरी है, छोटी सी स्माइल। ऐसा नहीं कि आपको दांत दिखा के हंसना है, आपके फेस पे स्माइल होनी जरूरी है। स्माइल से आप बहुत सुंदर दिखते हो तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और आप खुद भी अच्छा फील करोगे। अगर आपके फेस पे स्माइल होगी तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इंसान भी आपको देख के स्माइल करेगा, जिससे कि आपका मूड और ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपकी ऑल ओवर लुक के बारे में मैं बात करूंगी। आपके जो हेयर है, आप जिस तरह का भी हेयर स्टाइल करते हो, आप खुले छोड़ते हो, आप बांधते हो, या आप कोई हेयर स्टाइल करते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, तो आपके फेस पर बाल नहीं होने चाहिए कि आपने कोई हेयर स्टाइल की है और आपके फेस पर बेबी हेयर इधर उधर दिख रहे हैं, उलझे हुए है, इधर उधर से कोम नहीं किया है, वो अजीब लग रहे है। चाहे आप कितने भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन अगर आपके हेयर ठीक से आपने सेट नहीं किए है तो आप अच्छे नहीं लग सकते। इसलिए अगर आपको हेयर ओपन रखने हैं या बांध कर रखने हैं, जैसे भी रखने हैं, लेकिन अच्छे से नीटली क्लीन आपके हेयर दिखने चाहिए। अगर मेकअप की बात करूं तो मेकअप आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, उस हिसाब से आपको मेकअप करना है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप थोड़ा सा मेकअप करोगे, शादी के लिए जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप ज़्यादा मेकअप कर सकते हो। और अगर आपको मेकअप नहीं भी करना है, लेकिन याद रखिए, आपके फेस पे सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो होती है आपकी आंखें। इसीलिए अगर आपको मेकअप करना पसंद नहीं है, आप नहीं भी करते, लेकिन थोड़ा सा काजल आप आंखों में लगा सकते हो, आपकी आंखें उससे बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। और अपनी जो आईब्रोज है उसको भी थोड़ा सा अगर शेप दे देंगे तो आपका फेस भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर आपको मेकअप नहीं भी करना है, लेकिन थोड़ा सा आईब्रोज फील कर लीजिए और थोड़ा सा काजल लगा लीजिए। और मैं तो ये कहूँगी, आप जहाँ कहीं जा रहे हो थोड़ा सा मिनिमल मेकअप आप कर ही सकते हो तो आप प्रेजेंटेबल लगोगे। और लिपस्टिक भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि आप जब बात करते हो किसी से तो आपके लिप्स के तरफ ध्यान जाता है। तो आपको कोई भी लिपस्टिक आपकी चॉइस की, आपको अगर डार्क पसंद है, आपको अगर लाइट पसंद है, या न्यूड शेड भी आप लगा सकते हो, लेकिन लिपस्टिक लगाना भी जरूरी है। याद रखिए कि आपको बहुत ज्यादा मेकअप थोपने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमल मेकअप करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हो ये दिखाने के लिए आपको बहुत जोर जोर से बातें करने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत ऑकवर्ड लगता है, बहुत खराब लगता है। तो आप आराम से बात कर सकते हैं, और ज्यादा बात करने से अच्छा है कि ज्यादा सुनो, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है। और अगर आप लिमिटेड बात करते हो तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन आप जितनी भी बात करो, हमेशा अपने जो हैंड्स की मूवमेंट आप करते रहो,
तो वो एक आपके आप कितने कॉन्फिडेंट हो ये दिखाता है कि आप जिस तरह से आप हाथ हिला हिला के बातें करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंट नजर आता है। ऐसे नहीं रहना है कि वो अजीब लगेगा अगर आप हाथ बांधकर सामने वाले से बात करोगे, तो अपने हाथों को खुला रखिए, अपने हाथों की थोड़ी मूवमेंट कीजिए तो वो अच्छा लगता है। जब हम हाथों की बात कर ही रहे हैं तो नेल पेंट आपको लगानी है तो अच्छे से लगानी है। मैंने अभी नहीं लगाई है, अगर आपको लगानी है तो पूरे नेल्स पे आपके अच्छे से नेल पेंट लगाई हुई चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नेल पेंट लगाई है और कहीं से वो निकल गई है, थोड़ी बहुत वो निकल गई है तो वो बहुत खराब लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप पूरी रिमूव कर दीजिए या आप कोई नेल पेंट लगा लीजिए। और अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप जैसे न्यूड शेड आते हैं, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। हाथों में बहुत सारे फिंगर रिंग पहनने की जरूरत नहीं है, आप एक 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 हाथ में एक फिंगर रिंग भी इनफ होती है, ज्यादा भी बहुत गौड़ी गौड़ी लगता है तो ज्यादा फिंगर रिंग पहनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपके कपड़े, आपके क्लोथ्स। आपने जो भी कुछ पहना है, साड़ी पहनी है, शरारा पहना है, कोट पहना है, वेस्टर्न पहने हैं, शॉर्ट पहना है, लॉन्ग पहना है, जो भी पहना है वो आपकी बॉडी को सूट करना चाहिए। आप जैसे भी है, ये बात हमेशा याद रखिए, आप जैसे भी है, आप मोटे हैं, पतले हैं, जैसे भी है, जैसे हमें भगवान ने बनाया, हमें खुद से प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो और कोई हमसे क्या प्यार करेगा। तो इसीलिए आप जैसे भी है खुद से प्यार कीजिए और खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, कभी भी खुद को कम मत समझिए कि मुझ में कुछ कमी है, और खुद को किसी और से कभी कंपेयर भी मत कीजिए। मैं स्पेशल हूँ, मैं यूनिक हूँ, यही आप खुद के बारे में सोचेंगे तो आप बहुत खुश रह पाएंगे। इसीलिए आपका जो भी बॉडी है, जैसा भी बॉडी है आपका, अभी आप देख सकते हो मैं काफी हेल्दी दिख रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा वेट गेन हो चुका है। तो जैसे भी है अपने आप से प्यार कीजिए, लेकिन कपड़े, हाँ, तो कपड़े हमें ऐसे पहनने चाहिए जो कि हमारी बॉडी टाइप पे सूट हो, ना कि ज्यादा टाइट हो, वो भी बहुत अजीब लगता है, और ना कि ज्यादा लूज हो, ज्यादा लूज कपड़े भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसलिए आपके बॉडी शेप के हिसाब से ही आपको कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट जो है फुटवेयर की बात करते हैं, बहुत सारी लड़कियां जैसे कम हाइट है तो हाइट दिखने के लिए हील्स वगैरह पहनती है, अच्छी बात है, पहननी चाहिए, लेकिन हील्स तभी पहनिए जब आप हील्स में कंफर्टेबल हो। अगर आप हील्स में कंफर्टेबल नहीं हो तो हील्स मत पहनिए, थोड़ी दो तीन दो दो ढाई इंच की जो आती है बॉक्स हील, वो आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा हील पहनने की जरूरत नहीं है हाइटेड दिखने के लिए, जरूरी ये है कि आप उस फुटवेयर में कितना कंफर्टेबली चल सकते हो, कितना कंफर्टेबल रह सकते हो, उस हिसाब से फुटवेयर पहनिए। और फुटवेयर कैसे भी हो क्लीन नीट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि धूल मिट्टी बहुत उसको लगा है, ऐसे नहीं, फुटवेयर आपके नीट क्लीन होने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे कई जगह जाते हो जहां आपको चप्पल उतार के अंदर जाना है, और जब आप बाहर आओगे तो और उनके सामने आपको आपकी चप्पल देख के आपको खुद को ही शर्म आए, तो ऐसे आपके फुटवेयर की हालत नहीं होनी चाहिए। जो भी है उसको कपड़े से क्लीन वगैरह करके ही चप्पल पहनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप कितने भी सुंदर दिख रहे हो, कितने भी अच्छे से रेडी हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बट अगर आपके मुंह से बास आ रही है, बदबू आ रही है, तो वो बहुत ही बैड इम्प्रेशन डालेगा आपका आपका रूटीन में। सब लोग मॉर्निंग में और नाइट में ब्रश करते ही है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो उस टाइम पर भी आप ब्रश कर ले। मेडिकल स्टोर्स में स्प्रे वगैरह मिलते हैं जो फ्रेशनर होते हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हो। समर में बहुत स्वेट आता है तो हमें परफ्यूम यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम मत यूज कीजिए, माइल्ड हो परफ्यूम, लेकिन थोड़ा बहुत परफ्यूम यूज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत मेन है, बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम, टेंशन, स्ट्रेस, ये तो हर एक की लाइफ का हिस्सा है, पार्ट है, बट अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें वो सारी चीजें दिमाग में रखकर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अंदर से, अगर हमें कोई टेंशन है, हम सैड है किसी वजह से, तो वो सब हमारे फेस पे दिखेगा। इसलिए अगर हम कहीं जाते हैं तो उन चीजों को थोड़ा साइड में रख दीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। नहीं तो क्या होगा, आपने कितना सारा मेकअप किया है, बहुत अच्छे से रेडी हुए, परफेक्ट है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो तो वो आपके चेहरे पे नजर आएगा, वो शिकन्स आपके माथे पे दिखेंगी, आपका फेस जो है वो सैड दिखेगा, और आपकी पूरी सुंदरता बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे। इसलिए अंदर से खुश हो जाइए, खुश रहिए,
खुश रहने से, अगर आप खुश है तो आप बहुत सुंदर लग सकते हैं। इसलिए अंदर से खुश होना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ पॉइंट जरूरी होते हैं जो कि इंटरनली आपको सुंदर बनाते हैं, वो है आपकी लाइफस्टाइल। जी हाँ बिल्कुल, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। अभी हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपको अपने खाने पीने के ऊपर, बॉडी के ऊपर काम करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आप अट्रैक्टिव लगो, अच्छे लगो, हटके लगो, तो आपको आपके बॉडी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ना कि सिर्फ तब जब आप बाहर जा रहे हो, हमेशा हमेशा, क्योंकि आप एक बार तो अच्छे नहीं लगना चाहते है कि नहीं, आप हमेशा अच्छे लगना चाहते हो। जहाँ कहीं भी जा रहे हो आप तो चाहते हो कि मैं हमेशा अच्छी लगूं, तो अगर आप हमेशा अच्छे लगना चाहते हो तो आपको आपकी केयर भी हमेशा के लिए लेनी चाहिए। तो केयर का मतलब क्या है, क्या कैसे केयर करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हो आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी स्किन हेल्दी हो, आपके हेयर हेल्दी हो, तो आपको दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। पानी पीना बहुत जरूरी होता है, ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है और हमारी स्किन में ग्लो आता है, हमारी इंटेस्टाइन क्लीन करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होती है। पानी के बहुत सारे फायदे हैं, तो बहुत ज्यादा 8 से 10 ग्लास पानी आपको जरूर पीना है। सेकंड थिंग जो है कि आपके आपका जो फूड है उसमें आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। आपको दिन में कोई भी एक सीजनेबल फ्रूट, जो सीजन है उस हिसाब से आपको एक फ्रूट, चाहे बनाना ही खा लीजिए, जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रॉबेरी ही खानी है या आपको एप्पल ही खाना है या आपको कोई फैंसी फ्रूट खाना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप बनाना भी खा सकते हो, एक चीकू भी खा सकते हो, लेकिन एक फ्रूट दिन का जरूर खाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप या तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा ज्वाइन कर सकते हैं, या आजकल तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, हम यूट्यूब पे देखकर सब कुछ कर सकते हैं, या आप सिंपल वॉक भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, उससे भी आप में बहुत आपको फर्क पड़ेगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, आप अंदर से फ्रेश फील करोगे, और जब आप फ्रेश फील करोगे तो वो फ्रेशनेस आपके चेहरे पर नजर आएगी। और एक सबसे मेन चीज जो मुझे लगता है बताना जरूरी है वो है, जब आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हो, आजकल सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, तो आज सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो जब आप किसी फंक्शन में हो, किसी पार्टी में हो, तो जरूरी नहीं कि आप बार बार आपका मोबाइल चेक करें, मैसेज चेक करें, वो बहुत ऑड लगता है, बहुत चीप लगता है। आपको जरूरी काम हो तभी आप अपना मोबाइल निकालें, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। और स्पेशली अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तब आप बात, सामने वाला बात कर रहा है और आप बार बार अपने मोबाइल में देख रहे हो, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये याद रखिए, ये बिल्कुल भी मत कीजिए, अपने मोबाइल को थोड़ी टाइम के लिए साइड में रख दीजिए, उस पार्टी को, उस फंक्शन को एंजॉय कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट मैं अभी बताने वाली हूँ, वो बहुत जरूरी है, वो है आपका बॉडी पोस्चर। जब भी आप कहीं जाते हो या कहीं बैठे हो तो आपको आपकी बॉडी के पोस्चर के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे आपसे बात करूँ तो कितना अजीब लगता है, आप देख सकते हो। इसीलिए आपका कॉन्फिडेंट जो है वो आपके बॉडी पोस्चर से ही नजर आ जाता है, समझ में आ जाता है। इसीलिए बॉडी पोस्चर के ऊपर ध्यान दीजिए, जहां भी आप खड़े हो चाहे बैठे हो, कोशिश कीजिए कि आपके ये जो शोल्डर है ये हमेशा ऐसे टाइट रहे, स्ट्रेट रहे, और आपकी नेक जो है वो हमेशा ऐसी रहे। और ज्यादा बात करते वक्त ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे वो भी बहुत खराब लगता है, तो ज्यादा हिल डुल के बात करने की जरूरत नहीं है। और आपकी चाल देखकर ही लोगों की नजरें जो है वो आपकी तरफ आकर्षित होनी चाहिए कि ये कौन आ गया। आज की मेरी छोटी सी कोशिश, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती थी, तो आई होप कि आपको ये मेरी जो टिप्स है वो हेल्पफुल लगी होंगी। अगर हेल्पफुल लगी है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।